खत्म, क्या हुआ डैडी? फिर खेल खत्म, पैसा हजम। नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरी कहानी सुनाओ। तुम्हारे इस राजा बेटे के लिए तो रामायण और महाभारत भी कम पड़ेगी। पूरी सात कहानी सुना चुका हूँ इसे। आपको भी तो कहानी सुने बगैर नींद नहीं आती थी, आठवीं और सुना दो ना। अच्छा तो मोहतरमा आप भी अपने साहबजादे का साथ दे रही हैं? ठीक है बेटे आओ, मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा सुनो। बेटे एक राजा था। कौन, मैं? नहीं नहीं, एक बहुत बड़ा राजा था और उसका एक बहुत बड़ा महल था। फिर? उस महल में एक चावलों का ढेर लगा हुआ था, बहुत बड़ा ढेर। हाँ, फिर कहीं से चिड़िया छुपते छुपाते चुपचाप कहीं से उड़ती हुई आई और उस महल में जब चावलों का ढेर लगा था ना, उस पे जाके बैठ गई और उसमें से एक चावल उसने अपनी चोंच में दबाया और फुर्र से उड़ गई। फिर दूसरे दिन उसी तरह एक चिड़िया कहीं से आई और एक चावल चोंच में दबाकर फुर्र से उड़ गई। फिर क्या? फुर्र। फिर? अरे फिर फुर्र फुर्र फुर्र। नहीं तो वही फिर फुर्र वाली कहानी है। देखो तुम ज्यादा बात मत करो, चुपचाप सो जाओ, सुबह जल्दी उठना, चलो। मम्मी डैडी से कट्टी। अच्छा मेरे साथ पे नहीं ना? नहीं, पहले तुम गाना सुनाओ वरना तुम्हारे से भी कट्टी। क्यों रे, कहानी सुनकर तेरा जी नहीं भरा जब गाना सुनना है? चलो जल्दी से दूध पीला और चुपचाप सो जाओ, समझे? नहीं पहले गाना सुनाओ। जिद नहीं करते राजा बेटे, मालूम है सुबह हमें मंदिर जाना है, पूजा करनी है, तेरी मन्नत भी पूरी करनी है बेटे। चिंता मत करो, मिल जाएगा। राजा, राजा, मिल जाएगा। राजा, 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 शांति, मैं भी तेरे पास आ रही हूँ। चुपचाप शांति। राजा, शांति, राजा, शांति, मेरा बच्चा। क्या कर रही हूँ शांति? मर जाने तो मुझे, मर जाने तो। सब्र से काम लो शांति, सब्र। हे गंगा मैया, ये कैसा तेरा वरदान है? एक दिन तेरे ही वरदान से मेरी गोद भरी थी शांति, पर आज आज तूने मेरी गोद सुनी करती शांति। याद रखना, अगर मेरे राजा को कुछ हो गया
तो तेरी ममता पर सिर्फ मेरा ही नहीं सारे जमाने का विश्वास। शांति विश्वास रखो, गंगा मैया पे विश्वास रखो, सब भला करेंगे। चलो आओ यहाँ से। संभाल के अरे बाप रे, ओहो, अरे लक्ष्मी ये किसका बच्चा उठा लाई तू? हे भगवान, परेशान होने की कोई बात नहीं, घबराया हुआ है, बहलाए रखे ठीक हो जाएगा। बहलाए तो रखते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, तमाम कोशिशों के बावजूद इसके माँ बाप का पता नहीं चला। हो सकता है उस एक्सीडेंट में इसके माँ बाप भी मर चुके हो। हाँ, हो सकता है। शेर सिंह, तुम इसे यतीम खाना में क्यों नहीं भेज देते? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? इस मासूम बच्चे में मुझे अपना बचपना नजर आता है। मैं भी एक यतीम था डॉक्टर साहब, और इसी सर्कस के मालिक ने मुझे सहारा दिया था। आज मैं समझूंगा कि अनजान में मुझे एक बेटा मिल गया और मेरी बिटिया रानी को एक दोस्त। फैलाने वाला राजा बेटे का। अरे अरे, ओहो, सबका खाना छीन के खा जाती है, मुटकी कहीं की। चल, हाँ बस ताली रहने दीजिए। ले बेटा, ये है ना मेरा बेटा, मेरा राजा। कौन साहब है? रानी ने मेरी किताब ले ली। रानी ने तेरी किताब ले ली? आज बहुत मारूंगा रानी। हाँ, आ गई आप, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। तुमने इसकी किताब ली? नहीं, तो ये किताब तुम्हारे चाचा की है। ये ली अपनी किताब, चल जल्दी कान पकड़, कान पकड़। अरे उसके कान नहीं, मैं बोल रहा हूँ अपने कान पकड़। अब मैं मेरा
क्या हो गया बाबा? कुछ नहीं हुआ बेटे। अरे रो रहा है? बहादुर बच्चे कभी नहीं रोते, और फिर तू तो शेर सिंह का बच्चा है। हाँ बाबा, आप फिक्र मत करो, हमारा शो कभी बंद नहीं होगा, मैं करूंगा ट्रैपीज। हाँ मेरे बेटे, जरूर करना, शो मस्ट गो ऑन। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप देखेंगे उस्ताद अब्दुल्ला का हल्ला गुल्ला। अब्दुल्ला जब चुप्पे लंबो उठाओ बंबो फाड़ दो रोजी पे लात मारता है। हाँ तो मेहरबानो कदरदानो, मैं हूँ निशाने बाज और ये है निशाना, मैं हूँ मर्दाना और ये है जलाना। चुप री गुल्टा, अभी करता हूँ तुझे उल्टा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। वो नहीं, किधर है? अरे अब तो भारी है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ूंगा। किधर गई? हे मिंदी। मैम साहब, अब चमड़े की चाकू से डर गई? नाले बुलबुले शहदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। हजरत, आज दिल्ली की जनता के सामने नेशनल सर्कस अपना सबसे खतरनाक आइटम पेश कर रहा है। पेश करने वाले कलाकार हैं मशहूर और मारूफ, माया नाज निशाने बाज, राजाओं के राजा राजा। और उनके साथ हैं मिस रानी। निशाना तो लगाते हैं सभी, बंद आंखों से निशाने का तमाशा देखो। अब आप लोगों में से कोई साहब या कोई साहबा यहां तशरीफ लाएं और अपने हाथों से हमारे राजा की आंख पर यह पट्टी बांधे। हाय राजा, मेरा नाम रीटा है। कभी किसी के दिल का निशाना बनाया है? जल्दी कीजिए, पब्लिक बोर हो रही है। करूं आसपास भी तो कोई गटर नहीं है। दिन में तीन बार ये नौ मन की धोबन लादनी पड़ती है। क्या कहा, मैं धोबन हूँ? अरे चिड़ी के चौके ऐसा धोबिया पाट मारूंगे कि सारे खाने चित। हाँ इन हाथों में भी मेहंदी नहीं लगी रानी जी। दूंगा गला पर किच किचा के जाट के कुतुब मिला था। ओए हाय मोरे राजा, बड़े गंगा जमुना के डायलॉग बोल रहे हो। अरे ऐसा हाथ मारूंगे कि 36 के 36 तो। अरे रे रे रे, बज गई घंटी। अरे रानी जी, आप 36 न को 32 होते 32। अरे ये तो मुझे भी मालूम है, चिड़ी के चौके के चमचे चार तेरे भी गिन लिए थे। चल शुरू तेरे से करती हूँ। अरे पक्का। अरे चमचे। थैंक यू थैंक यू। राजा
जी। It is the timing and the grip that counts, isn't it? जी। आज तुम्हारा टाइमिंग और तुम्हारा ग्रिप दोनों ही गड़बड़ था। नहीं बाबू, वो रानी ने गड़बड़ कर दी आज। हाँ या अरे हाँ, ये लेना बेटा, ये लेना। हाँ थैंक यू। चलो चलो बैठो, खाना शुरू करो। खाना तो बहुत अच्छा बना है। थैंक यू। जी हाँ, लेकिन खाने में कुछ नमक कम है बाबा। नमक? नमक तो ठीक है। पता नहीं, जरा नमक देना। ये तो खाली ले नमक, जल्दी लाना। राजा, इतना नमक कब से खाने शुरू कर दिया तुमने? कभी कभी जरा मजा के लिए। लीजिए। अब खाने का मजा आएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? नीचे से गधे की तरह धुलती मारता है और ऊपर से पूछता है क्या हुआ। हाँ, पहले टांग किसने मारी? तूने मारी? पहले टांग तुमने मारी? पहले तूने मारी है? मैं कहती हूँ तुमने मारी। पहले तूने मारी है? तुमने मारी। मैं कह रहा हूँ तूने मारी है? मैं कहती हूँ तुमने मारी। तूने मारी है? बाबा मुझे को डांटते हो, इस बैल को क्यों नहीं कुछ कहते? अबे तुम मुझे कहती ऐसी? अबे जबान संभाल के बात कर, वरना एक दिन क्या कर लोगे? चक्कू भोग दोगे ना? ये ले भोग दो चक्कू। मैं कहती हूँ भोग दो। जल्दी ला भी संभाल। शट अप, आज का कोटा खत्म हो गया। चुपचाप से बैठ के खाना खाओ। शैतान पढ़ाया लॉर्ड साहब, चक्कू भोग देगा। मास्टर कहाँ चलेंगे? वापस आ जाओ। क्या हुआ अब्दुल्ला? ये अपना राजा जो है, ये जब ट्रेन की सीटी सुनता है तो उदास क्यों हो जाता है? उन्हें हम्मल है क्या? खुली है कि रेल आनी नहीं, सीटी बज रही और उन्हें उदास हो रहा। अरे मोहब्बत की मीठी सीटी, जब ये बजती आदमी हौला हो जाता, दीवाना हो जाता। अरे इसीलिए बोलता हूँ चट मंगनी पट ब्याह कर डालो। तेरा तो हो गया दमा खराब। कैसे कर डालो? 24 घंटा तो ये लड़ते रहते हैं। अरे प्यार मोहब्बत की लड़ाई नहीं होती। नहीं होती? अच्छा चलो, प्यार मोहब्बत की लड़ाई होती है। हाँ। फिर भी मैं बाप हूँ, कैसे पूछूं? अगर माँ होती तो पूछती। अरे तो माँ मैं ही बन जाता हूँ, तरकीब भी मैं ही बताता हूँ। जरा पूछो जी, आप पूछो जी। क्या तरकीब? हाँ बताती बताती, कान में जलाओ ना। वाह 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 वाह, एक से बढ़के एक। लड़की पसंद करना भी आर्ट है भाई। मेरा तो जी चाहता है कि हर एक से राजा की शादी करवा दूं। राजा की शादी? अरे तू कहा भाई, वो राजा की शादी का इश्तेहार दिया था ना। अरे हाँ, उसकी पसंद तुझे तो खूब मालूम है। बता इसमें से कौन? बाबा ये इश्तेहार किसने दिया था? ये बाबा, ये इश्तेहार मैंने नहीं दिया था, वो तो अब्दुल्ला ने दिया था। अब्दुल्ला, लुंगी खुल गई, पहलवान की चड्डी भी खुल गई, उठा देता है पता नहीं। खाने हिला के बता, 2 रुपए दिए। गया कान से। अबे अब्दुल्ला, आ गई तेरी नानी। अबे ओ चिड़ी के चौके के चमचे। माँ 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 का नाम लिया, नानी कहाँ से आ गई? बोल। अपनी माँ बहनों की तस्वीरें तूने दी थी बाबा को? ओ मैं दिया? राजा जिंदगी भर कुंवारा रहेगा? अरे उसकी शादी हो जाएगी, उसको प्यार मिलेगा। प्यार मिलेगा?
अरे किसने अपनी माँ का दूध पिया जो मेरे प्यार पे डाका डाल सके। हाँ अरे तू राजा को प्यार करती? बिल्कुल करती हूँ, डंके की चोट पर करती हूँ। अरे डंके की चोट पर नको, डंडे की चोट पर करती। क्या? अरे जब तक तेरा ये हंटर वाली स्टाइल रहेगा ना डंडेबाजी का, जब तक रहेगा ना राजा शादी तो क्या तेरे को पास नहीं बिठाएगा। क्यों? क्यों? राजा को ऐसी लड़की होना जिसके अंदर लड़की पन हो। लड़की तो समझे, लेकिन ये पन क्या है भाई? अरे यही पन में तो सारा फन है। साउंड बॉक्स इधर ला, इधर ला। बस लक्ष्मी बस बस बस, कुछ ही दिनों में तेरा ये पैर बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा। हाँ ये खतरे का सिग्नल कहां से चला रहा है? हाय रे मैं सदके जावा, चश्मे बद्दूर लाल छड़ी मैदान खड़ी। अच्छी लग रही हूँ ना? बिल्कुल दुल्हन जैसी। फिर बोल कब बजे की शहनाई? अरे नेक काम में देर कैसी, बोलो तो अभी बजवा देता हूँ। अरे जम्बू दुल्हन पसंद आई? क्या बात है, अरे बहुत पसंद। हाँ तो खड़े खड़े देख क्या रहा है, जाके ले आ सहरा। हाँ अभी लाया। और सुन कपड़े भी पहन कर आना, शादी में क्या दुल्हन नंगा आता है, है? क्या जम्बू मेरा दूल्हा? और क्या, शुक्र कर वो तो राजी हो गया। चिड़ी के चौके मेरा मजाक उड़ाता है, मैं तेरे साथ कभी नहीं होऊंगा। देख बन्नो कोई जाता है नाम से, कोई जाता है दाम से, कोई जाता है जाम से, मगर ये लड़की गई काम से, गई काम से गई ये लड़की, गई काम से गई ये लड़की, हो गई है दीवानी छोटी उम्र में, अरे बाली उम्र में प्यार की बातें करती है मनमानी, कौन इसे समझाए, कौन इसे समझाए, अब ये ठीक नहीं नादानी, ए, ए, ए कई काम से, कई काम से गई ये लड़की, हो गई है दीवानी। अठारह की हो फिर शादी का करो इरादा, इससे पहले कभी किसी से करो ना प्यार का वादा, वादा कभी न करना, सोच ले मैडम वरना प्यार का ये जुर्माना पड़ेगा तुझको भरना, पर धर लेगी सरकार, धर लेगी सरकार अगर ये बात न तूने मानी, अरे 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 कई काम से, कई काम से गई ये लड़की, हो गई है दीवानी छोटी उम्र में प्यार की बातें करती है मनमानी। जल्दी करेगी शादी तो फिर जल्दी होंगे बच्चे, जल्दी करेगी शादी तो फिर जल्दी होंगे बच्चे, आज की दुनिया में तो दो बच्चे हैं बस, अच्छे बुरी है जल्दी शादी, रोक पड़ती आबादी तीस की होके वरना तू बन जाएगी दादी। अरे बेटा बन्ना जल्दी जल्दी शादी मत करना, सबर से ले तू काम, खबर से ले तू काम, अभी तो निखरी नहीं जवानी, अरे 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 गई काम से, गई काम से गई ये लड़की, हो गई है दीवानी छोटी उम्र में प्यार की बातें करती है मनमानी।
दे कालू, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। बोल कालू बोल। तू राजा को कभी परेशान नहीं करेगी, बोल। कभी नहीं करूँगी, तौबा मेरी, मैं अपने कान पकड़ती हूँ कालू। नहीं कालू, कालू। समय बड़ा बलवान। चिड़ी की चौकी, चिड़ी के चौके, तुझे तो मैं हर शो में आती है। क्या खूबसूरत लड़की है। हा? मुझे तो चमगादड़ लग रही है, हर दम तेरी तस्वीरें लेती रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो कैमरे से लेती है और मैं आंखों से लेता हूँ। क्या मुझे ये अनाउंसमेंट करते हुए बड़ा फख्र हो रहा है कि हमारी एक कदरदान राजा के कमालात से खुश होकर उसे 5,000 रुपया इनाम देना चाहती है। लगता है आपको हमारा सर्कस बहुत पसंद आया। सर्कस से ज्यादा आप अपना 5 मिनट दे सकते हैं शो के बाद। थैंक यू। चौक की तरह चिपकी जा रही है चुड़ैल कहीं की। जलती है, जल नमून की धुन। कहिए देवी जी, क्या सेवा कर सकता हूँ? सिगरेट जी? नहीं, पीता नहीं। ओ, बंबई में हमारा भी एक सर्कस है। अच्छा, बिल्कुल। और हमें आपकी जरूरत है। आई एम सॉरी मिस रीटा, वैसे हम आप जैसे कलाकार को मुंह मांगी रकम भी दे सकते हैं। कलाकार कभी बेकार नहीं करता मिस रीटा। क्या बात है। आइए मैं कार तक छोड़ दूं आपको। वैसे रात भर सोच लेना। वैसे मैं अपनी रात बर्बाद नहीं करना चाहता। और सुनिए, आइंदा इस कलाकार का शो यहीं पर देखेगा। गलत रास्ते पर चलेगा तो ऐसे ही ठोकर खाएगा। हाँ, क्या मतलब? क्या खुसे पुसे कर रहा था चुड़ैल से, बोल। अरे मैं तो उससे सिर्फ गाड़ी तक छोड़ने गया था। ओए होए मोरे भोले राजा, मुझे तो कभी तंबू तक छोड़ने नहीं गया और उसे गाड़ी तक छोड़ने गया था। ये चक्कर कब से चल रहा है बोल। अब जब तू पूछ ही रही है तो मैं बता ही देता हूँ। जब से दिल्ली आए है ना, मैं दिल दे बैठा हूँ। अबे ओ चिड़ी के चौके, रहना मेरे साथ और दिल उसके पास। क्या करूं, अब देर है तो सिर्फ
शहनाई बजनी। शहनाई? शहनाई। मैं उस साली का नगाड़ा बजा दूंगी। हाँ। अरे जा, इसके लिए तो कलेजा चाहिए, डबल कलेजा। हाँ बेटे, जन्मदिन मुबारक हो, जीते रहो जीते रहो। मगर वो रानी कहाँ गई? अरे रानी, अरे तू वहाँ क्या कर रही? चल इधर आ, मेरी बेटी तेरे लिए एक बड़ा अच्छा प्रेजेंट लाई है। शुक्र करो बाबा, कुछ तो आया इसकी तरफ से। फूलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। आदर थाम लेते हैं या फाड़ देते हैं? अरे पागल लड़की, आज के शुभ दिन पे ये कांटे उठा लाई? अरे बाबा, इसके तो भाग खुल गई जो मैं कांटे उठा लाई, वरना इसके लिए तो ठेंगा ही ठेंगा। अबे जाना छिछोरी, तेरे पास है ही क्या जो तू मुझे देगी? क्या कहा? मेरे पास कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं छिछोरी हूँ। अरे छिछोरा होगा तू, तेरा पूरा खानदान छिछोरा होगा। आपको हाँ, मैंने आपको नहीं, मैंने इसे कहा। अबे जाना मोटी। अरे चुप बे। अरे हर तरह ऐसा छाप कर दूँ। अरे बॉक्सिंग काहे को कर रहे आप लोग? अरे यार मोहम्मद अली खिले हो रहा, आज के दिन तू पैदा हो रहा, पैदा होने के दिन बॉक्सिंग कर रहा। देखता नहीं घंटी उसे? अरे जाने दे उसको, मैं देख क्या लाया हूँ तेरे लिए। एंटी फाइटिंग चॉकलेट, झगड़ा बंद चॉकलेट। एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को खाएंगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा बर्फ का माफी। चुप होने के वास्ते तुमको डबल डोज होना, दो सुबह दो शाम को, दो शाम शहद के साथ, ताकि तुम शहद की मक्खी बन जाओ और जिसको काटो उन्हें हाय 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 हाय। अरे तुझे खाती हूँ, मुझे मक्खी है, मक्खी। तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं अभी। अरे मोटे, हमारी रानी कभी सियानी नहीं बनेगी। नहीं बाबा। अच्छा बेटा ये ले, तू तो खाना शुरू कर ना, ये ले। आप खाओ। हाँ मैं बनाता हूँ, बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ, खा खा। बात है बेटे? कुछ नहीं बाबा। कुछ नहीं कैसे? मैं अक्सर देखता हूं कि रेल की सीटी की आवाज सुनकर तो कुछ उदास हो जाता है। कोई खास बात नहीं। शायद मेरे प्यार ही में कुछ कमी रह गई हो। नहीं बाबा, आपने तो मुझे इतना प्यार दिया है, शायद किसी बाप ने अपने बेटे को भी नहीं दिया हो। आज तुझे बताना ही होगा कि इस आवाज के साथ तेरा क्या संबंध है। इसने तो मेरा सब कुछ छीन लिया था बाबा, मेरी माँ, मेरा बाप। अब तो मुझे उनकी शक्लें भी याद नहीं, चंद धुंधली यादों के सिवा कुछ न बचा, कुछ न रहा। शांति, शांति, आखिर कब तक आंसू बहाती रहोगी राजा के लिए? याद है आज के दिन हमारा राजा हमसे बिछड़ गया था, न जाने वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अब तो शायद हमें पहचानेगा भी नहीं। धीरज रखो। अनजाने
राजा, गाना कितना दर्द है तेरे गीत में। कभी यही गीत खुशियों से भरपूर हुआ करता था रानी, जब मेरी माँ सुनाया करती थी। अब तो इस गीत के कुछ बोल ही याद हैं, हाँ पिताजी की सूरत याद, माँ की शक्ल। तू क्यों रो रही रानी? मैंने तुझे बहुत सताया है, बहुत दुख दिया है राजा, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। रानी, अरे सुन, मुझे तेरे से कोई शिकायत नहीं है रानी, तू बहुत अच्छी है। सच राजा, तू मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं है? नहीं। तो वादा कर, तू मुझे अपनी शादी पर जरूर बुलाएगा। शादी? हाँ, तू रीटा से शादी करना चाहता है ना? मैं वादा करती हूँ, मैं तेरे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। तू बड़ी बोली है रानी, अरे तेरे बिना तो ये राजा बिल्कुल भिखारी है। सच राजा? अब हंस, हंस दे चिड़ी की चौकी। राजा को कब्जे में लाने की तुम्हारी सारी कोशिशें नाकामयाब हुई। हाँ रंजीत, न तुम्हारा रुपया काम आया और ना ही मेरा हौसला। जानती हो, बड़े काम के लिए बड़े हौसले की जरूरत होती है। शायद गलती से मैंने एक शायर की किताब पढ़ ली थी। लिखा था, इधर आ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। क्या मतलब? यही कि राजा अपनी रानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकेगा और अपनी रानी की जिंदगी के लिए हमारे लिए सब कुछ करेगा। रणबीर, शालीमार, शालीमार। चौक में चांद सा चेहरा, संग चलेगा मेरे, अरे संग चलेगा मेरे, देख के हमको लोग कहेंगे हो गए दूर अंधेरे। शादी
सती है ऐसे खुद को सजाना, अरे ऐसे खुद को सजाना। इंडिया गेट पे आके मुझको वरमाला पहनाना। अरे जरूर मिली प्यार की आजादी, चट मंगनी पे पट शादी। अरे मिली प्यार की आजादी, चट मंगनी पे पट शादी। अरे दिल का रिश्ता जोड़ दिया है तुझसे वो दिल्ली वाली। आहे मिली प्यार दी आजादी, चट मंगनी दे पट शादी। तूने तो कमाल कर दिया राजा। तो राजा की मोटरसाइकिल तुम्हें चोट दे गई। उस शातिर की यही अदाएं तो हमें बंबई से दिल्ली खींच लाई है। मोटरसाइकिल के निराले करतब और चाकू के अचूक निशाने। लेकिन उसके अचूक निशाने के सामने तुम्हारा निशाना चूक गया रंजीत साहब। हम तो फन के कदरदान हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम इस मुल्क के फनकारी के नमूने को अपने मुल्क में ले जाने से नाकामयाब रहेंगे। गलती से मैंने एक बार चाणक्य नीति पढ़ ली थी, लिखा था किसी भी चीज को हासिल करने के तीन तरीके होते हैं, मांग लो, खरीद लो या फिर छीन लो। क्या बात है। वल्लाह क्या आला दिमागी है। राजा को हम छीनेंगे और राजा हमारे लिए गुलाब महल से कीमती ताज चुरा के लाएगा, जिसमें 90 लाख के 30 अनमोल हीरे जड़े हुए हैं। लेकिन राजा को चुराएगा कौन? कौन लोबो जॉन? जॉन लोबो। जान बिना इजाजत अंदर आने वाले को कभी माफ नहीं करता और लोगों का निशाना कभी नहीं चूकता। तुम दोनों को रंजीत ने याद किया है। जनता को 26 जनवरी के शुभ अवसर पर नेशनल सर्कस अपनी शुभकामनाएं पेश करता है।
आज हमारा मशहूर निशानेबाज राजा आपके सामने एकदम अंधेरे में अपनी निशानेबाजी के जौहर दिखाएगा। तो लीजिए हजरत, आपके सामने प्राइड ऑफ नेशनल सर्कस राजा एंड रानी। वो खून करके भाग रहा है, उसका पीछे क्या है? उसके पीछे। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब जरा तेज चलाइए प्लीज, मेहरबानी करके प्लीज चलाइए तेज प्लीज। मुझे इधर जाने का हुक्म मिला है, मैं इधर ही जा रहा हूँ। मैं कैसे गाड़ी रोके? गाड़ी रोके? अगर गाड़ी रुक गई तो तुम्हारी सांसें भी रुक जाएंगी। तुम? तो ये सब तुम लोगों का ड्रामा था? हाँ, रीता जिसे चाहती है उसे हासिल करके रहती। कपड़े उतार कर सलीम को पहना दो, मैं भी आता हूं। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक्सीडेंट स्पॉट पर जो चीजें मिली हैं उनसे यह साबित होता है कि मरने वाले का नाम राजा था। नहीं बाबा, नहीं मेरी बेटी, धीरज रख बेटी, धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यस डॉक्टर, वही हुआ जिसका मुझे शक था। व्हाट? इट्स अ केस ऑफ एमनेसिया। क्या? वो अपनी याददाश्त खो बैठा है और उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं, यहां तक कि अपना नाम भी। अब क्या होगा डार्लिंग? एक नाटक। हे भगवान, शुक्र है तूने मेरी सिंदूर की लाज रख ली। कौन है आप?
मुझे भूल गए, मुझे भूल गए। हे भगवान, ये कैसा एक्सीडेंट कर दिया तुमने। सुनो, मैं तुम्हारी तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी बीवी रीटा। मेरी बीवी? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। रीटा भाभी, शुक्र है तुम होश में आ गए। शंकर शंकर? मैं शंकर हूँ। हाँ शंकर, तुम कौन हो? मैं ये रंजीत जी हैं, तुम्हारे अजीज दोस्त। इन्होंने तुम्हारे इलाज पर हजारों रुपए पानी की तरह बहाया है। भाभी जी प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैंने तो सिर्फ दोस्ती का फर्ज निभाया है। और फिर दोस्ती को दौलत के तराजू में नहीं तोला जाता। रंजीत जी, हम आपका एहसान किस तरह भूल सकते हैं? आपने अपने जिस्म का 4 बोतल खून देकर मेरे सुहाग की रक्षा की है। ओफो भाभी जी, प्लीज अब बस भी तो कीजिए। शंकर भैया, गलती से मैंने एक बहुत पहुंचे हुए साधु का प्रवचन सुन लिया था, जिसका एक उपदेश मुझे अभी तक याद है, नेकी कर दरिया में डाल। लो एक कश लगाओ। लगाओ ना यार, हैव इट, दैट्स इट। अरे कुर्सियां लपेट रहे के पान के बीड़े बना रहे। अरे जल्दी करो बंबई जाना भाई, जल्दी करो, चलो जल्दी करो, चलो। हे रानी, उठ भाई। अरे कूच करना है, यहाँ से बंबई जाना है, इतना सामान लपेटना है, चल जल्दी उठ। बाबा ऐसा नहीं हो सकता कि हम दिल्ली छोड़कर बॉम्बे न जाएं। अरे पगली कहीं की, ये कैसे हो सकता है? बंबई में हमारे कितने शो बुक है, कुछ मालूम है तुझे? बाबा मेरा दिल अभी भी कहता है कि राजा एक न एक दिन जरूर आएगा। हम सर्कस वालों की जिंदगी भी अजीब जिंदगी है, कैसा ही वाकया क्यों ना हो जाए हमारा शो चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। हाय शंकर। हेलो, कैसे हो? बैठो। क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो रंजीत बाबू? निशाना लगाना है तो इनसे निशानेबाजी तो सीखो। मैं निशाना अच्छा लगाता हूँ। डार्लिंग, तुम तो सब कुछ भूल गए। शंकर, तुम्हें याद नहीं कि हमने प्रिया बैंक लूटा था? बैंक लूटा था? हाँ, और उस मैनेजर ने तुम पर पिस्तौल निकाल ली थी, लेकिन इस पिस्तौल से गोली निकलने से पहले तुम्हारा चाकू उसके सीने में था। मैंने खून भी किया था? हाँ, ये तुम्हारा 5वां खून था, लेकिन हमारे होते हुए पुलिस तुम्हें आज तक न पकड़ सकी। हाँ डार्लिंग, उस दिन भी पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही थी कि अचानक तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और तुम अपनी याददाश्त खो गए। बस भी कीजिए शंकर, कम ऑन, गेट अप और निशाना लगाओ। उठाओ। अरे लगा तो, ये तो तुम्हारा प्रेशर रहा है। या ट्राई। Well done. देखा रंजीत बाबू, इसे कहते हैं निशाना। अरे शंकर, ये तो कुछ भी नहीं, तुम तो सर से पांव तक कमाल ही कमाल हो। शंकर, ये तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, डरो मत। Yes, you can do it, शंकर, you can do it. हाँ तुम कर सकते हो, come on, that's it, go! डार्लिंग, अभी हमारे लिए सब कुछ करेगा।
आइए देखिए, बार बार देखिए, हजार बार देखिए, देखने की चीज है दोस्तों। ये देखिए गुलाब महल के म्यूजियम की शान, ये सोमनाथ के मंदिर की मूर्ति का वो मुकुट है जिसको हासिल करने के लिए नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर 17 बार हमले किए, आई मीन 17 अटैक्स। मिस्टर गाइड, यस, सोमनाथ के मंदिर पर नादिर शाह ने नहीं, महमूद गजनवी ने हमले किए। ओह, लगता है आपने सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ी है, हिस्ट्री नहीं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हिस्ट्री गवाह है कि ये ताज, ताजों का सरताज, दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है, किसी भी मुल्क में ऐसा ताज नहीं है। क्यों कि इस ताज के चारों तरफ 30 रियल हीरे, आई मीन 30 रियल डायमंड्स है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आज कुछ नहीं तो कम से कम इस ताज की कीमत 90 लाख होगी। 90 लाख? यस, आई मीन 90 लाख। कैश दूं या चेक? ये नुमाइश है, नीलाम नहीं मोटा भाई। अगर ये बिकाऊ ताज होता तो नादिर शाह हिंदुस्तान पे हमले क्यों करता, खरीद ना लेता इसे। अरे भाई, इतना कीमती ताज और यूं ही खुला पड़ा है, है? अगर कोई चुरा ले तो तो बड़े घर पहुंच जाएगा। बड़े घर? आई मीन बिहाइंड द बार। इतना आसान समझ लिया आपने मोटा भाई। इस ताज को टच करने के साथ ही अलार्म रूम में घंटी बजेगी और अलार्म रूम से घंटी बजने के साथ गार्ड्स आएंगे, आएंगे वो 2 मिनट में, आई मीन ओनली इन 2 मिनट्स में उसकी भी घंटी बजा देंगे। चोरी आओ मेरे साथ। अलार्म बंद करो। किसकी हरकत है ये? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहां की किसी भी चीज को हाथ लगाना कानूनन गुनाह है। प्लीज, मेरी आप लोगों से दरखास्त है, विनती है कि यहां की आप किसी भी चीज को हाथ ना लगाएं। आइए मेरे साथ। सिर्फ 2 मिनट। ताज तक पहुंचना तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन ताज हासिल करने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट रह जाते हैं, और ये 2 मिनट का मुश्किल सफर कैसे तय करना है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। लेट्स गो। आई एम सॉरी। अंधे हो या आंखों पर पट्टी बांध रखी है? मैं तो अंधा नहीं हूं, मगर तुमने अपनी आंखों पर यह काला चश्मा जरूर चढ़ा रखा है। अपने से बड़ों के साथ तमीज से बात करना सीखो बेटे, मैं तुम्हारे बाप के समान हूं। सॉरी। अच्छा हुआ तुमने सॉरी कह दिया, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। अजीब आदमी था, चल। लेकिन सही टकरा है। क्या मतलब? इसी आदमी के घर से तुम्हें म्यूजियम के मेन डोर की चाबियों की छाप लेनी है। छाप क्यों? चाबी क्यों नहीं? ताकि चाबियां उसी के पास रहे, ताज हमारे सर और चोरी का इल्जाम इस बुड्ढे के सर। शांति, राजा खुश ना हो। शांति, कब तक सपने देखती रहोगी? उसे आना होता तो जाता ही क्यों? चल। शांति, शांति,
हेलो राम जी भाई, thank you.
जा रहा है। जरा भी आवाज की तो राजा, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। तुम जाके उन्हें गुमराह करो, और अगर उन्हें जरा भी शक हुआ ना राजा तेरे पीछे। राजा तू फिक्र मत कर, मेरा विश्वास कर, मेरे जीते जी तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुझे छिपाती हूँ। हाँ कोई चालाकी नहीं इसमें, छुप जा। छुपकू है अबे, 100 दिन सुनार के होते, 1 दिन लोहार का होता, चोरी करा, पुलिस को बुलाया, कल खून करेगा, सर्कस का नाम बदनाम करता। ये है चोर। Shut up! ये क्या मजाक है? ये चोर नहीं है। मैं बिल्कुल सच बोलता इंस्पेक्टर साहब, मेरी 1 लुंगी चुराता, अपनी 8 लुंगी बनाता। देखो अब्दुल्ला, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? एक चोर इस तरफ भागा है और गुलाब महल से उसने 90 लाख का एक ताज चुराया। ताज चुराया? ताज महल चुराया? 90 लाख? चोर चोर इंस्पेक्टर साहब, एक चोर अभी अभी दीवार कूद कर भागा है। किस तरफ? उस तरफ, उस तरफ। कम ऑन, हमारे यहाँ चोर कैसे आ सकता है? पापा राज आया है। राजा? हाँ। कब तक राजा का इंतजार करती रहेगी बेटी? अरे मरकर भी कोई वापस आया है? नहीं बाबा, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने खुद उसे छुपाया बाबा, पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया राजा। शंकर वेल्डन, देखो वो पीछे तो नहीं करा, नीला तक कोई नजर नहीं आ रहा। That's good. साहिब, ओ, कैसा लगता है? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो फिर ये हीरों से चढ़ा हुआ कीमती ताज आपकी खिदमत में हाजिर है। सौदा मुबारक। अभी नहीं, पहले आप जरा अपना वाल दिखाइए। अब सौदा मुबारक, ताज आपका। अब सौदा मुबारक। क्यों नहीं? वेल डन रंजीत बाबू, वेरी वेरी वेल डन। ये नुस्खा किस किताब में लिखा हुआ है? गलती से मैंने जेम्स हेडली चेस की एक किताब पढ़ ली थी, लिखा था कि वार हमेशा पीछे से करना चाहिए। यू आर राइट, इसका मतलब है आपने भी वो किताब पढ़ी थी? जी नहीं, मैंने तो किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब वार पीछे से किया जाता है तो बचना बहुत मुश्किल होता है रंजीत बाबू। हे कम ऑन रिलैक्स, रंजीत के होते हुए तुम पर कोई वार नहीं कर सकता। लेट्स सेलिब्रेट, कम ऑन रीटा। ये रही सेफ की 3 चाबियां, एक तुम्हारे लिए, ये शंकर के लिए और ये मेरे लिए। इट वॉज वंडरफुल शंकर, वंडरफुल। जानते हो इतनी बड़ी रॉबरी शायद ही इतनी सफाई से किसी ने की होगी। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक्स। हैव अ ड्रिंक। बस कुछ ही दिनों के बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा और इसके बाद 20-20 लाख और 10-10
हीरे। मनोहरलाल की सेहत के नाम। चेयर्स। चेयर्स। मत रो शांति, भगवान के लिए मत रो। रो नहीं तो क्या करो, भगवान का भी ये कैसे न्याय है। पहले मेरी कोख उजाड़ दी, अब मेरा घर उजाड़ना चाहता है। इंसान तकदीर के हाथों में खिलौना है शांति। तकदीर को क्यों कोसते हो, अपने कर्मों को देखो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इतना तो सोचिए, जो आदमी 25 साल से जिस ताज की रखवाली कर रहा हो, वो भला उसकी चोरी कैसे कर सकता है। मैं सच कह रही हूं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति बिल्कुल निर्दोष। कानून जज्बात को नहीं मिसेस मनोहर लाल, सच्चाई और हकीकत को देखता है। आपके पति के खिलाफ जो सबूत मिले हैं उसे यही जाहिर होता है कि आपके पति एक मुजरिम है। रंजीत फैसला कर चुका है रीटा, 15-15 हीरे और 30-30 लाख हम दोनों को ऐश की जिंदगी गुजारने के लिए काफी हैं। और राजा? ओफो डार्लिंग, तुम मुर्दों को क्यों जिंदा करती हो? बेचारा राजा 26 जनवरी की रात को एक्सीडेंट में मर चुका है। लेकिन शंकर तो जिंदा है। मतलब गलती से मैंने एक धार्मिक किताब पढ़ ली थी, लिखा था जो दूसरों पर उपकार करता है भगवान उसे स्वर्ग में जगा देते हैं, और फिर शंकर ने तो हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम जल्द से जल्द शंकर को स्वर्ग पहुंचा दें। हेलो बे। हाय हाय शंकर, कहीं जाना है, तैयार क्यों नहीं हुए? शंकर डार्लिंग, मैं तो कब से तैयार हूँ, लेकिन पानी में तैरने से पहले जरा शराब में तो डूब ले। लवे 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 आ जा। हे कम ऑन शंकर, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। बाकी भाई हम तो यहाँ बैठेंगे, यहाँ से नजारा बहुत अच्छा है। ये नजारा भी कोई नजारा है? आप रंजीत साहब का होनोलुलु वाला रेस्टोरेंट भूल गए? वहाँ का जो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है ना, वो समथिंग फैंटास्टिक है, बिल्कुल ऐसे घूमता है। सो फास्ट भाई, घूमना तो ऐसे चाहिए जैसे कि धरती घूमती है पर पता नहीं चलता, बिल्कुल ऐसे। मजा तो तब आता है शंकर, जब उस घूमते हुए रेस्टोरेंट की घूमती हुई मेजें पीने वालों की जाम बदल देती हैं, बिल्कुल ऐसे। हेलो, मुर्दा लेने के लिए आ जाऊं? शंकर प्लीज कैरी ऑन। श्योर डार्लिंग, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगी। श्योर, आप मुझे अपने हाथों से जहर भी पिला दे तो मैं खुशी से पी जाऊंगा। जी साहब, क्या चीज पिलाई यार, जरा आप चक्के तो देखिए आप सर। चीयर्स आप दोनों के सेहत के लिए। चीयर्स शंकर। चीयर्स। एक तरफ ये शबाब का शोला है, एक तरफ नर्म नर्म पानी है, आके घुल मिल के एक हो जाएं, चंद लम्हों की जवानी है। चिड़ी की चौकी, आज मैं इसका खून पी के रहूंगी। चोर हट। अरे कौन हो तुम, मेरे प्यार पे डाका डालते पूछती कौन हो तुम? तू हट जा राजा, आज इस कमीने का खून पी के रहूंगी। मेरी बीवी पे हाथ उठाती है। बीवी? तूने शादी कर ली राजा? मैंने तो उसी दिन तुझे कहा था कि मैं तेरे रास्ते से हट जाती हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दे रीटा, मुझसे भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चल जंबो। क्या हुआ?
राजा मिला? अरे नहीं रे, जब अपना ही सोना खोटा हो तो किसी का क्या दोष। चल डार्लिंग, फॉरगेट इट। आखिर ये लड़की है कौन रीटा? कल रात भी राजा राजा कहकर गले पड़ रही थी। हो सकता है उसका उसकी किसी आशिक का नाम राजा हो और उसकी शक्ल तुमसे मिलती हो। लेकिन उसे तुम्हारा नाम कैसे मालूम? डार्लिंग खत्म हो गया, वो सर्कस वाली लड़की यहाँ तक आ गई है। इसके पहले के राजा को पता चल जाए। पिकनिक पर निकल चलना चाहिए। अजीब आदमियों, यहाँ जान पे बनी तुम्हें पिकनिक की सोच रही है? रीटा, गलती से मैंने एक बार एक भूखे फकीर को खाना खिला दिया था, उसकी सदा मुझे अभी तक याद है। कहता था भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम है, और फिर समुद्र की मछलियां तो बेचारी हमेशा भूखी रहती है। कल मोटरबोट से हम, तुम और तुम्हारा करमपति शंकर पिकनिक पर जाएंगे तीन, और लौट कर आएंगे दो। हाय, तेरी आंखों के इशारों को ला 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 पहचान गया हूँ। तेरे दिल में है क्या दिलबर, मैं जान गया हूँ पहचान गया हूँ, मैं जान गया हूँ पहचान गया हूँ। तेरी आँखों के इशारों को, तेरी बाहों के सहारों को पहचान गया हूँ। तेरे दिल में है क्या दिलबर, मैं जान गया हूँ पहचान गया हूँ, मैं जान गया हूँ पहचान गया हूँ। कुछ और भी आज निखरा तेरा, नर्म होठों में तू यूं ना उंगली दबा, मार डालेगी ये तेरी छाती लदा, जान ले लेगी ये जान ले लेगी तू मेरी जाने जिगर। मैं जान गया हूँ पहचान गया हूँ, मैं जान गया हूँ पहचान गया हूँ तेरी आँखों के इशारों को। जो तेरी खुशी वही मेरी खुशी, जान जाने का भी अब कोई गम नहीं, तेरे हाथों में है अब मेरी जिंदगी। नहीं तुझको ये नहीं तुझको है शायद अभी तक खबर, मैं जान गया हूँ पहचान गया हूँ, मैं जान गया हूँ पहचान गया हूँ। रंजीत बाबू, ये वही पिस्तौल है जो तुमने मुझे म्यूजियम लूटने के लिए दी थी, आज वही पिस्तौल तुम्हें लूटने के काम आ रही है। सेफ की दोनों चाबियां निकालो, दोनों। लेकिन शंकर, प्लान के मुताबिक तीनों का हिस्सा बराबर होना चाहिए। क्या खूबसूरत प्लान था तुम्हारा, जाएंगे तीन लौटेंगे दो। मेरी जान, जाएंगे तीन लौटेगा सिर्फ शंकर। कमान जंप, आई से जंप।
जान के जीते जी, रंजीत के माल को कोई हाथ नहीं लगा सकता शंकर, रखता सो। मछलियों से बच निकली आप? आज मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, दोस्त बनकर आई। ओहो, दोस्ती और रिवॉल्वर के सहारे? हाँ। रिवॉल्वर इसलिए कि तुम मेरी बात सुनो। कैसी बात? आज तक रंजीत के हाथों में खिलौना बनकर रही हूँ राजा,
उस कमीने ने मेरी मजबूरी का पूरा पूरा फायदा उठाया, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे ना तुम्हारे हीरे चाहिए ना पैसा। तो फिर क्या चाहिए? तुम्हारी दोस्ती चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं तुम्हें कैसे यकीन करूं जो तुम कह रही हो सच कह रही हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो ये लो रिवॉल्वर और खत्म कर डालो मुझे। खत्म तो नहीं, लेकिन तुम्हें भी अपने साथ कानून के हवाले जरूर करूंगा। कैसे हैं आप? सिस्टर, आज 27 जनवरी है ना? जी नहीं, आज 27 फरवरी है। मैं एक महीने से बेहोश हूँ। कल रात आपका एक्सीडेंट बॉम्बे सेंटर पे हुआ था। बॉम्बे सेंटर? नहीं सिस्टर, मेरा एक्सीडेंट तो दिल्ली में हुआ था। मैं बॉम्बे कैसे पहुंच गया? ठहरिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर, पेशेंट होश में आ गया। ओह गुड, तुम 36 नंबर के पेशेंट के पास जाओ और मैं हरियाप। अच्छा, डॉक्टर साहब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। नर्स कहती है मैं बंबई में हूं, मेरा एक्सीडेंट तो दिल्ली में हुआ। बंद करो शंकर। शंकर? मेरा नाम शंकर नहीं है डॉक्टर साहब, मेरा नाम तो शंकर है। हेलो डॉक्टर। हेलो इंस्पेक्टर। मैं इंस्पेक्टर गावस्कर, मरीज का बयान लेना चाहता हूं। मरीज इस हालत में नहीं है इंस्पेक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब मरीज का बयान लेना बहुत जरूरी है, इससे मर्डर केस। हाँ मर्डर, तुमने मिस रीटा का खून किया है। मैंने किसी का खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। बल्कि उस रीटा की बच्ची ने मुझ पर पिस्तौल धार ली थी, उसी के कारण तो ये एक्सीडेंट हुआ इंस्पेक्टर साहब। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। मैं जो कुछ इंस्पेक्टर साहब, आप मरीज की हालत देख रहे हैं, प्लीज लीव हिम अलोन। इंस्पेक्टर साहब मेरा यकीन कीजिए मैं। ओके, मैं बाद में आऊंगा। पांडु तो बाहर था। बरे सर। इन अंतर ये शंकर, अब तुम चारों तरफ से गिर चुके हो। ये लो सिगरेट पियो। मैं सिगरेट नहीं पीता डॉक्टर साहब। शंकर, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि ना तो मैं डॉक्टर हूँ और ना ही तुम मरीज हो। अब सीधी तरह से बता दो कि तुमने वो ताज और 60 लाख रुपए कहाँ छुपाए? कौन सा ताज डॉक्टर साहब, कौन से 60 लाख की पुलिस? ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर आप कौन है, आपको क्या चाहिए मुझे? शंकर, शंकर तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे। मैं फिर आऊंगा। अब लिसन, नर्स लुक आफ्टर हिम। ये तो बहुत आसान सी बात है। 26 जनवरी को राजा का पहला एक्सीडेंट हुआ, राजा अपनी पुरानी जिंदगी भूल गया और तुमने उसे शंकर बना दिया। उसके बाद इस दूसरे एक्सीडेंट में शंकर अपनी जिंदगी भूल गया और फिर से राजा बन गया। इसका मतलब है कि वो इन दोनों एक्सीडेंट के बीच की जिंदगी के अपने 30 दिन भूल गया है। वो अपने 30 दिन भूल गया, तुम अपने 90 लाख भूल जाओ रंजीत। शट अप! इससे पहले कि पुलिस उसे हॉस्पिटल से हवालात में ले जाए। शंकर,
इसकी गोली लग गई है। मां जी यकीन कीजिए मैं बेगुनाह हूं। गुनहगार चेहरे तुम जैसे मासूम नहीं होते। न जाने भगवान बेगुनाह को सजा क्यों देता है। आओ मेरे साथ आओ। तुम्हारा नाम शंकर है? पुलिस बेटे तुम जल्दी से ऊपर छुप जाओ। माफ कीजिएगा, एक खतरनाक मुजरिम भागा हुआ है। मुजरिम? कहीं यहां तो नहीं आया? जी इस घर में सिर्फ दो ही मुजरिम हैं। एक को आप ले जा चुके हैं और दूसरी मैं। आई एम सॉरी, मुझे आपसे हमदर्दी है लेकिन हम जैसे देखिए तस्वीर पे ये खून। जी ये मेरा ही खून है। जख्म बहुत गहरा है, जल्दी मरहम पट्टी कीजिए। अच्छी बात है। चलो जल्दी चलो। माँ जी आपने ये क्या किया मेरे लिए? आपने अपना खून। खून तो क्या, माँ तो अपने बेटे के लिए जान तक दे देती है। तुमने मुझे माँ कहा ना। माँ जी आपने इंस्पेक्टर से किस मुजरिम की बात कही थी? अपने पति की, जो गुलाब महल की ताज की चोरी में पकड़े गए थे। गुलाब महल की ताज की चोरी? हाँ बेटे, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, ये बिल्कुल निर्दोष है। काश आज अगर मेरा बेटा होता
तो अपने बाप को सहारा देता, उन्हें बेकसूर साबित करता, अपनी माँ को तसल्ली देता। माँ जी कहाँ है आपका बेटा? एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ, अगर आज वो मेरे पास होता तो बिल्कुल तेरे जैसा होता। माँ जी मुझे ही अपना बेटा समझिए ना, वक्त और हालात ने अगर साथ दिया तो एक ना एक दिन इस खून की कीमत जरूर चुकाऊंगा। माँ जी चलता हूँ। माँ भगवान तेरी सहायता करे। नेशनल सर्कस आपके शहर में। नेशनल सर्कस के कलाकारों के चमत्कार देखिए, दिल्ली से धूम मचाता हुआ बंबई पहुंच गया है। नेशनल सर्कस बंबई पहुंच गया है आपके शहर में। रोजाना 3 शो, 3, 6, 9। बाबा! मैं तो समझा था मेरी किस्मत ही मुझसे रूठी है, लेकिन आज तुम भी मुझसे रूठ गए बाबा। खबरदार जो मुझे बाबा कहने की कोशिश की, एक चोर एक धोखेबाज से मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। मैंने कोई चोरी नहीं की बाबा, ना तो मैंने किसी को धोखा दिया है, मेरा कोई दोष नहीं है बाबा। दोष तो मेरा है कि मैंने एक पत्थर से हीरे को तराशने की कोशिश की। बाबा मेरी बात तो सुनिए बाबा। सुनिए, सुनने के लिए बाकी क्या रखा है? राजा राजा तू यहां से चला जा, मैं कहता हूं यहां से चला जा। ठीक है बाबा, मैं चला जाता हूं, हमेशा हमेशा के लिए चला जाता हूं बाबा। राजा राजा राजा, बाबा गुस्से में, उनकी बात का बुरा मत मानो राजा, प्लीज। एक बार जब विश्वास की दीवार टूट जाती है रानी, तो दोबारा नहीं चुनी जाती। नहीं राजा, मुझे छोड़ के मत जाओ राजा, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज राजा। बाबा आप ये तो सोचिए, उस राजा जब यहाँ आया था उसने मुझे नहीं पहचाना, जब मैं उठ गई तभी उसने नहीं पहचाना, लेकिन आज आज मुझे पहचान रहा है, हम सबको पहचान रहा है बाबा। आप एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए बाबा, प्लीज बाबा। यही है मेरी कहानी बाबा। मुझे अपनी याददाश्त खोने का दुख तो है ही, लेकिन उससे बड़ा दुख यह है कि मेरे कारण बेगुनाह मनोहरलाल को जेल में डाल दिया गया, लेकिन अब उसे बेगुनाह साबित करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है बाबा। पर मनोहर लाल को बेगुनाह साबित करने के लिए पहले अपने को ताज का पता लगाना होगा ना। ताज अगर तुमने चुराया है तो सवाल है कि तुमने रखा कहाँ? मुझे क्यों नहीं याद आता कुछ भी? मेरा ख्याल है तुम्हारे हर सवाल का जवाब उन 30 दिनों में छुपा हुआ है जो तुम खो चुके हो। उन सारे सवालों का जवाब उसी छोटे में मिलेगा। अरे ओ लाला, कहाँ हो मेरी रानी? अरे मैं लेके आया हूँ तेरे लिए मोहब्बत की बिरयानी। ओ ओ, कौन असरानी? कदर मुरी ना जानी, अरे सरगम तीन तानी, मैं असरानी नहीं फरहाद हूँ फरहाद, आशिक ना मुराद, अपने अब्बा का नाम तो नहीं याद, हाँ मियाँ मजनू है मेरे उस्ताद, अरे सुन ले मेरी फरियाद, मुझे दे मुझे दे। अरे ओ मजनू के चेले, कहीं जाकर बेच केले, तू अपनी लैला को पहाड़ों में ढूंढ, घने झाड़ों में ढूंढ, वीरानों में ढूंढ, रेगिस्तानों में ढूंढ। बट यू आर माय लैला एंड आई एम योर छैला। ओह अरे ओ छैला, ना मैंने तुझे कभी देखा और ना है मेरे हाथ में तेरी रेखा। अच्छा
अरे ओ मेरी जान जरा ठीक से देखो, अरे ओ मेरी जान जरा ठीक से देखो, ठीक से देखो जरा नजदीक से देखो। मैं तो आशिक हूँ, मैं तो आशिक हूँ तेरा पुराना, हो तूने अब तक ना मुझको पहचाना, हो तूने अब तक ना मुझको पहचाना। तुझे ठीक से देखा जा रे जब तुझे ठीक से देखा, ठीक से देखा बड़े नजदीक से देखा, हर हसीना का हर हसीना का तू है दीवाना, है तुझे जाने है सारा जमाना, वो तुझे जाने है सारा जमाना। अरे ओ मेरी जान जरा ठीक से देखो। होते ही पैदा मेरे लबों पे आया था नाम तुम्हारा, बस आया था नाम तुम्हारा, है हाय गलियों में कूचों में तब से मेरी जा लैला ही लैला पुकारा, वो मैंने लैला ही लैला पुकारा। अरे मैं कैसे कर लूं यकीन, मैं कैसे कर लूं यकीन, तू जो बनता है ठीक से देखो, ठीक से देखो जरा नजदीक से देखो। ये हमें पहचान नहीं रहा, क्योंकि आप ये शंकर नहीं राजा हैं। जिस रूप में तू चाहेगी मुझको वैसा ही रूप बनाऊं, मैं वैसा ही रूप बनाऊं। अरे अपना तो मतलब है तुझको ही पाना, जहाँ पे भी मैं खेल जाऊं, अरे जहाँ पे भी मैं खेल जाऊं। ठीक से देखो, ठीक से देखो जरा नजदीक से देखो, मैं तो आशिक हूँ, ओ मैं तो आशिक हूँ तेरा पुराना, वो तूने अब तक ना मुझको पहचाना। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। नहीं राजा, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने देता। देख लेने देना, यह है ना। अब्दुल्ला, तू वहां देख, मैं यहां देखती हूँ। हाँ चल, जंबू जेट बन जा। चाकू चलाने वाले हाथों में पिस्तौल शोभा नहीं देता शंकर बाबू। शंकर नहीं राजा, शरीफ इंसान मेहमानों के साथ शराफत से पेश आया करते हैं, समझे? वेरी गुड जॉन।
बात तो मिस्टर राजा, अब मेरे 7 लाख और ताज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है और मेरे खोए हुए 30 दिन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आई विल हेल्प यू फॉर दैट। तुम्हें 26 जनवरी की रात का एक्सीडेंट याद है? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तुम्हारी यादाश्त चली गई और जिसका नाजायज फायदा उठाकर तुमने राजा को शंकर बना दिया और गुलाब महल से ताज की चोरी करवाई और उस ताज के साथ साथ तुम मेरे 60 लाख रुपए एक सूटकेस में लेकर भाग निकले। हम लोगों ने तुम्हारा पीछा किया, तुम भागते भागते बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन के अंदर चले गए, लेकिन जब सेंट्रल स्टेशन से बाहर निकले तुम्हारे हाथ में सूटकेस नहीं था। फिर तब से मेरे आदमी बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, लेकिन सूटकेस का अभी तक कुछ पता नहीं चला। बोलो तुमने कहाँ रखा है, बोलो सोचो, याद करो। हेलो, सूटकेस लगेज ऑफिस में। सूटकेस लगेज ऑफिस में? और शंकर के पास उसकी रसीद है। और रसीद के बच्चे, तुम काउंटर क्लर्क को जहां नाम रसीद कराओ, सूटकेस लेकर यहाँ पर आओ। लेकिन यहाँ पर मिल्की मौजूद है। मिलिट्री, ठीक है तुम वहीं ठहरो, रसीद हम लेकर आते हैं। हाँ तो राजा साहब, सूटकेस का प्रॉब्लम तो खत्म हुआ, अब सवाल है सिर्फ एक छोटी सी रसीद का। अगर वो तुम्हारे पास है तो मुझे शराफत से दे दीजिए। मेरे पास कोई रसीद नहीं है और अगर हुई भी तो तुम्हें हरगिज़ नहीं दूंगा। मुझे बेगुनाह मनोहर लाल को बचाना है। झूठे मक्कार, तुझे मनोहर लाल याद है तो इसका मतलब है कि तुझे सब कुछ याद है। तू मुझे सब कुछ बताएगा। माने डॉक्टर कौर को बुलाओ। रंजीत, ये दवाई इसके जिस्म में जाते ही इसे सच बोलने पर मजबूर कर देगी। वेरी गुड। हिलना नहीं, मैं तो सबको उड़ा दूंगा। खुल जा तुम सब। गोली नहीं है। चौहान, तभी मेरा रसीद है, उठा लो। Thank you.
अभी नानी तुम मिसेज मनोहरलाल को लेकर सर्कस पहुंचो, हम स्टेशन से बैग लेकर पहुंचते हैं। ओके अच्छा चल। अरे ये चिकू तू का चिक्का हुआ जाए इधर, ये उधर खड़े हैं। खबरदार हल्ली खुल्ली खां, क्या हुआ बलबुला? क्या नहीं हुआ, ये मर्द हुआ मेरे को धक्का मारा ना। तुम खान के कूले गुलजार को धक्का मारे क्या? चप्पल मार, मेहरबानी करो मुझे माफ कर दो बहन, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो बहन। तुमको बहन बनाया ना करी, तुम इसको बहन बोला तुमको माफ किया ना, तो तुम्हारा हम तुम्बा बना देता समझाए। चलो क्या मानता है तुम्हारा रिसीट, तुम्हारा पैसा, हमारा सामान अंदर। बदल जा, अरे अंदर तो हो गया, बाहर क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। धक्का मारा ये चप्पल, मुझे माफ कर दो बहन, बहन मुझे माफ कर दो, बहन माफ कर दो, बहन माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुमको बहन बनाया है तुम्हारा भाई हमारा साला, अपना काम खत्म, चलो निकल ले पतली गली से, निकल निकल। अभी तो इसके पेट में बच्चा था, शायद अंदर पैदा हो गया वो। रंजीत, शंकर बॉक्स लेके निकल गया। What? Bloody idiot! वो जरूर मनोहरलाल के पास गया होगा। Hold up! हर पल मालिक से मैं मांगू तेरे लिए कौन हो बेटी? माँ जी ये गीत आप गा रही थी ना? हाँ क्यों? तब तो अभी राजा की माँ है। राजा? हाँ। तुम राजा को जानती हो? हाँ माँ जी। कहाँ है मेरा राजा, कहाँ है मेरा बेटा, बताओ कहाँ है? माँ जी राजा सर्कस में है, अब हमारी सब मुसीबतें दूर हो जाएगी। माँ जी माँ जी जल्दी करिए, राजा सर्कस में हमारा इंतजार कर रहा है। अरे रानी कहाँ चली गई, क्यों नहीं आई? जरा फोन तो कर मिसेज मनोहरलाल को, देखना क्यों नहीं आई अभी तक। कौन से लोग? रंजीत के लोग। राजा रंजीत तेरी माँ को जबरदस्ती उठा के ले गया है। मेरी माँ? हाँ राजा, मिस्टर मनोहरलाल तेरी माँ है राजा। राजा की माँ? माँ ये तो क्या कह रही है? हाँ राजा, मैंने उनके घर में तेरे बचपन की तस्वीरें देखी और वो गीत भी सुना जो तू हमेशा गुनगुनाता है। इसका मतलब वो मेरी माँ और मिस्टर मनोहरलाल मेरे पिताजी? हाँ राजा, अपनी माँ की जिंदगी बचा ले राजा। रंजीत ने कहा है कि अगर तू ताज और पैसे लेकर नहीं पहुँचा तो वो तेरी माँ को मार डालेगा राजा। कहाँ पहुँचना मुझे? पुराने किले पर। मैं हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा बेटा ठहर जा, तेरा ये जोश तेरी माँ की जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। तो बाबा करूँ तो मैं क्या करूँ? अब मेरा बेगुनाह बाप एक तरफ, मेरी माँ की जिंदगी, मैं जानता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा। मैं जानता हूँ बेटे, मैं जानता हूँ। अनजाने में तूने जो कुछ पाप किए हैं उसकी कीमत तो तुझे अदा करनी होगी ना। राजा आ मेरे साथ, आजा आजा। Thank you.
राजा साहब, बड़ा इंतजार करवाया। ये रहा तुम्हारा माल, मेरी माँ कहाँ है? मुझे माफ कर दे माँ, मेरी वजह से तुम्हें और पिताजी को बहुत तकलीफ पहुंची। नहीं बेटू, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। तूने जो कुछ किया अनजाने में किया। नाटक बंद कराओ और चाबी निकालो। नहीं बेटे, चाबी मत देना, पहले तो अपने पिताजी को बचा ले। मेरी परवाह मत कर बेटे। गलती से मैंने फिलॉसफी की एक किताब पढ़ ली थी, लिखा था हर बेटा अपने बाप से ज्यादा अपनी माँ को प्यार करता है। अब देखना है कि राजा। That's good. ले जा और खत्म कर दे इन दोनों को। जंबो, खबरदार, हिलना नहीं, हिलना नहीं। रुक जाओ। राजा, खबरदार, हिलना नहीं, हिलना नहीं। Thank you.
बोले किधर है कहाँ है? अरे अरे ये मारता है डेढ़ फुट समझ कर। कौन है किधर है कहाँ है? बुढ़िया देख ले अपने बेटे को आखिरी बार। नाइस जॉब, वेल डन जॉन, वेल डन। की धोबन अरे चल हाथ चिड़क के चौके शाबाश मनु शाबाश। चलो सबको गिरफ्तार कर लो कोई भागने ना पाए। छोड़ दो मनु छोड़। रंजीत बाबू गलती से मैंने भी एक किताब पढ़ ली थी जिसमें लिखा था कि आदमी को कभी कोई गलत किताब नहीं पढ़नी चाहिए। थैंक यू इंस्पेक्टर। स्वामी शांति शांति गलता कहाँ है? हमारा बेटा वो रहा। अच्छा मेरे बच्चे मेरे बेटे कहाँ चला गया था तू हमें छोड़कर? मेरे बच्चे पापा मुझे माफ कर दीजिए पापा मेरी वजह से आप नहीं, मेरे बेटे ऐसा नहीं कहते नहीं पापा ये है मेरे बाबा शेर सिंह जी। हाँ अगर ये नहीं होते तो आज हमारा राजा हमारे पास नहीं होता। नहीं नहीं बहन ऐसा ना कहो शायद भगवान ने राजा को हमारी गोद में इसीलिए भेज दिया था कि इसकी रानी इसको मिल जाए। अरे आजा रानी शर्माती क्यों है? दुल्हन शर्मा रही ना घूंघट काट ले। अरे पुलिस स्टेशन का प्यार बहुत मजबूत होता है। हल्दी जैसा बाबूजी के पांव छूना। खुश रहो बेटे खुश रहो। जीतर जीतर शाबाश। अब्दुल्ला तुझे क्या हुआ? अब्दुल्ला दीवाना। मिली प्यार की आजादी चट मंगनी पे पट शादी। अरे मिली